और देश में जब जब चुनाव आते हैं ईवीएम पर खूब सारे सवाल उठते हैं। जब जब कोई पार्टी हारती है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ उसने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी। एससी में वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज। वीवीपैट की 100% पर्चियों का नहीं होगा मिलान। बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से होगा मतदान। 45 दिन तक सील रहेगी सिंबल लोडिंग यूनिट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो याचिकाएं अब खारिज हो चुकी हैं, जिसमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी और वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की मांग की गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब चीजें आंकी हैं, आंकलन किया उनका, और उसके बाद उसके हिसाब से उन्होंने फैसला दिया, और उन्होंने सब चीजों को पूरे सोच विचार करके ही फैसला दिया होगा। दो दिन चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग ने अदालत में सारे संदेह दूर किए, हर चीज पर अविश्वास नहीं जताया जा सकता, संदेह के आधार पर ही आदेश नहीं जारी कर सकते, संवैधानिक संस्था के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने यह भी बात कही कि सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक सील रहने दिया जाए, और अगर किसी उम्मीदवार को ईवीएम में गड़बड़ी का संदेह होता है और वो वेरिफिकेशन की मांग करता है तो सारा खर्चा उसे ही उठाना होगा। इस दौरान अगर ईवीएम में छेड़छाड़ पाई जाती है तो सारा खर्चा वेरिफिकेशन की मांग करने वाले उम्मीदवार को वापस किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेरिफिकेशन की मांग नतीजों की घोषणा के 7 दिनों के भीतर लिखित रूप से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम लोग सब पालन करेंगे, लेकिन होना चाहिए 100% वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि ईवीएम एक स्वतंत्र मशीन है, इसे ना तो हैक किया जा सकता है और ना ही इसमें छेड़छाड़ संभव है, और ऐसा ही चुनाव आयोग पहले भी कहता आया है। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। जाहिर है अब उन सवालों पर विराम जरूर लग जाएगा जो सवाल विपक्ष की तरफ से ईवीएम की अविश्वसनीयता पर उठाए जा रहे थे। तो ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि बैलेट पेपर वाला दौर वापस लौटकर नहीं आएगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर सीधे सीधे हमला बोला और कहा मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के, ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंतोगत सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है। देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें।